मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान तमाम बीजेपी के समर्थकों के बीच और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बीच जो है हल्की फुल्की झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलाके के लोग मौजूद हैं, बीजेपी के नेता चार वोट लेकर के यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है आपस में हो रहा है, आरडब्ल्यू का प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बीजेपी को घसीटा जा रहा है। बीच के अंदर जब सारे आरडब्ल्यू के बच्चे खड़े हुए हैं, लेडीज सारे आरडब्ल्यू खड़े हुए हैं, सारे वोट ले ये वोट के ऊपर ये शराब माफिया शराब शराब के ठेकों खिलाफ है, ये शराब के ठेकों खिलाफ वाले। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स लगाए गए थे शराबबंदी को लेकर के, यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विरोध का सामना जो है वो करना पड़ा। उस बीच यहाँ पर पोस्टर्स जो है वो किए जा रहे हैं, खुद इलाके की जो आला अधिकारी है पुलिस के पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर लोगों की कोशिश जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्टर्स के जरिए शराब के ठेकों का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है और जो पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं आरडब्ल्यूए के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर्स जो है वो किए जा रहे हैं और लगातार पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने के, यहाँ पे देखिए ये पोस्टर्स बैनर जो है वो तोड़े जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कि इस तरीके का विरोध न हो। लेकिन लगातार अब ये पूरा चुनाव एक तरीके से आपस की राजनीति में इस कदर जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो शुरू हो रही है। महिलाएं यहाँ पर हैं। जी बताएं क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? चुनाव के ठेके खुलवा दिए, यहाँ पे भीड़ बढ़ा दी है, बहन बेटी लड़कियाँ कोई निकल नहीं सकती, सभी शराब पी लड़कियों को पकड़ लेते हैं, वे उनके साथ गंदा काम करते हैं, हमारा रहना यहाँ दुर्लभ हो रहा है। आरडब्ल्यूओ ने पिछले 8 महीने से अगेंस्ट में है, इन्होंने दारू का ठेका यहाँ खोला है, रेजिडेंशियल एरिया, छोटे छोटे बच्चे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 8 महीने से हम लोग पूरा भागा दौड़ी कर रहे हैं, हम कहते हैं कहीं भी खोलो लेकिन जो जहाँ परिवार रहता है उनको छोड़ दो। ये पब्लिक को हमारे बच्चों को दारू पिलाना सिखा रहे हैं लेकिन हम इतना विरोध करने के बाद भी इन पे कोई असर नहीं है, ठीक है ना? इनको सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं, कोई सुनता नहीं है, कोई चाहे इस क्षेत्र का विधायक हो राघव चड्ढा जी हो, उन्होंने भी कभी नहीं सुना, और दूसरे विधायक निशेष रवि जी है उन्होंने भी कभी नहीं सुना, ठीक है ना? हम उनको बोलते हैं, खुद आते हैं जा रही है। मुख्यमंत्री का काफिला आप देख सकते हैं, यहाँ पर विरोध जो है वो तौर पर होता हुआ फिलहाल पूरी रोड शो के दौरान जो है वो देखा जा रहा है।